नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा फहराने की तैयारियों पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने इस दौरान कहा कि जिले में हर घर तिरंगा अभियान व्यापक स्तर पर किया जाएगा। डीएम ने बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों में स्वयं सहायता समूह के 98 महिलाओं ने खादी राष्ट्रीय ध्वज निर्मित किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के समस्त प्रतिनिधियों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। शुक्रवार को जिला सभागार में डीएम अभिषेक रुहेला ने पत्रकारों को बताया कि भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देश पर आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों एवं विद्यालयों, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, कर्मचारी संगठन, ग्राम प्रधान संगठन को हर घर तिरंगा अभियान में प्रतिभाग करने के सहयोग की अपील की। साथ ही नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा व सम्मान का पूरा ध्यान रखने की अपेक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनरेगा श्रमिकों एवं वन विभाग के 18 अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद में 1,457 आवास के सापेक्ष 777 आवास को पूर्ण कर दिया गया है। वहीं जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक घर में जल संयोजन कर दिया गया है। इस उपलब्धि पर जल निगम व जल संस्थान व ग्राम्य विकास द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 9 गांव में उत्साह के रूप में मनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद में निर्वाचन नामावली का अपडेटेशन का कार्य भी गतिमान है। उन्होंने निर्वाचन नामावली आधार कार्ड से लिंक की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को स्वैच्छिक फॉर्म 6 खा के तहत ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से किया जा सकेगा। इस दौरान CDO गौरव कुमार, ADM तीर्थपाल सिंह, DDO KK पंत, जिला सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सहित सभी मीडिया प्रभारी उपस्थित रहे। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हर घर तिरंगा अभियान की मुहिम चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार 13 तारीख से लेकर 15 तारीख अगस्त 2022 के बीच में हर घर में तिरंगा यानी ध्वजारोहण किया जाना है। मुहिम से प्रयास यह है कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से जुड़ें और मैं भी अपील करता हूं सभी हमारे जनपद के नागरिकों से कि वे हर घर तिरंगा अभियान में प्रतिभाग करें और अपने अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं। और यह ज़रूर ध्यान दें कि जब तिरंगा लगाया जा रहा है तो वह स्वच्छ हो, किसी प्रकार से किसी कोई क्षतिग्रस्त ना हो, और जब उसको लगाया जाता है तो वह तिरंगे की ध्वज की गरिमा के अनुसार ही लगाया जाए और कार्यक्रम के बाद ससम्मान उसको उतार लिया जाए और सुरक्षित रखा जाए। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।